किसी भी रिचार्जेबल फैन का स्पीड बढ़ा सकते हैं 3 गुना ज्यादा। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, किसी भी 12 वोल्ट बैटरी से चलने वाला फैन को स्पीड बढ़ा सकते हैं 3 गुना ज्यादा। तो यहाँ पर हमारे सामने देख सकते हैं एक 12 वोल्ट का फैन है, तो इसमें अभी मैं चला रहा हूँ, तो ये छोटा बैटरी है लेकिन 12 वोल्ट है, लेकिन देख सकते हैं इसका स्पीड, और इस फैन का स्पीड हम बढ़ाएंगे 3 गुना इससे ज्यादा। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो सबसे पहले हमें इस फैन को खोल लेना है, खोल के इसकी जो मोटर है इसको बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ से हम फैन के सबसे आगे साइड से खोलेंगे, और यहाँ पर पंखे में यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ होगा, देख सकते हैं आप, इस स्क्रू को हम यहाँ पर ढीला कर देंगे तो हमारा पंखा जो है बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे 2 स्क्रू दिया हुआ है, इनको खोलेंगे तो मोटर निकल जाएगा। पीछे से ढक्कन को हम इस तरह से खोल देते हैं, ये जो ढक्कन है यहाँ पर एक नट लगा हुआ है, किसी में 2-3 नट लगा हुआ रहता है। तो अभी देख सकते हैं मोटर हमारा जो है बाहर आ चुका है, ये सब कुछ जो काम होता है इस मोटर की वजह से होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक 12 वोल्ट का एक नॉर्मल मोटर है, तो इस मोटर को हम चेंज करेंगे, चेंज नहीं यानी इसकी कॉइल को जो है हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मोटर जो है अभी घूम रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ये घूम रहा है, ये सही है मोटर। तो इस मोटर की जो कॉइल है इसको हम चेंज करेंगे, तो किस तरह से चेंज करना है तो ध्यान से देखना वीडियो को। तो सबसे पहले मोटर को यहाँ से हम खोल लेंगे, यहाँ पर 2 खील देख सकते, खील नहीं तो इसकी जो साइड है इसको थोड़ा टेढ़ा करके रखा हुआ है ताकि पीछे से बाहर ना आ पाए, तो इनको हम निकाल दिया है। तो ये मोटर हमारा जो है बाहर आ चुका है, आपको धीरे धीरे इस तरह से खोलना है। तो देख सकते हैं हमारा कोयल जो है ये बाहर आ रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन लगा हुआ है, तो ये जो कुछ है सब कुछ इस कोयल में है। तो यहाँ पर हम थोड़ा इसको साफ़ कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी काला पड़ चुका है ये। तो यहाँ पर ये कोयल देख सकते हैं, इसमें कोयल लगा हुआ है, ये बहुत ही बारीक हल्का कोयल लगा हुआ है जिसकी वजह से ये मोटर स्लो घूमता है और बैटरी भी कम खाता है। और इसकी जगह हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो पास ये जो कॉइल है ये बड़ी साइज़ का कॉइल है, तो इसको भी हमने एक ट्रांसफार्मर से, जले हुए ट्रांसफार्मर से निकाला है। तो आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा, आप किसी भी ट्रांसफार्मर से या किसी भी जले हुए मोटर से आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जो देख सकते हैं ये जो कॉइल का मुंह है जो है हमें निकाल लेना है, कौन सा साइड बाहर वाला है, तो ये साइड है बाहर वाला। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से तोड़ देंगे हम, यहाँ से हमने तोड़ दिया है। और अभी जो कॉइल है इसको पूरा हम खोलेंगे, खोलने से पहले आपको किस तरह से कॉइल को लगाना है आपको मोबाइल से फ़ोटो खींच के रख लेना है ताकि आपको कॉइल फिर से लगाने में आसानी होगी, जिस तरह से लगा हुआ है उसी तरह आपको लगाना है। तो अब मोबाइल से 2-3 फ़ोटो खींच के रख लेना और उसके बाद ही खोलना। तो यहाँ पर हमने पूरा कॉइल जो है निकाल लिया है, तो देख सकते हैं ये जो कॉइल है ये यहाँ पर 100 राउंड लगा हुआ था एक साइड में, तो यहाँ पर हम ये जो मोटा साइज़ का कॉइल है इसको हम 20 राउंड लगाएंगे क्योंकि ये हमारा साइज़ मोटा है इसलिए हम 20 राउंड लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कनेक्शन है जो है, तो ये कनेक्शन में सबसे पहले आपका मुँह वो थोड़ा छील लेना है क्योंकि इसके ऊपर पेंट लगा हुआ रहता है। और यहाँ पर हम लगा के यहाँ पर हम इसको लगाएंगे इस तरह से, देख सकते हैं 20 राउंड लगाएंगे इस तरह से, ये होगा 1, तो इस तरह से हम 20 राउंड लगाएंगे क्योंकि आपको यहाँ पर 20 राउंड लगाना, पहले वाला जो था छोटा था 100 राउंड लगा हुआ था, तो हम यहाँ पे 20 राउंड लगाएंगे, ये हो गए 2, तो आपका ये हो गया 3, और इस तरह से हम पूरा 20 राउंड लगाएंगे, यहाँ पर हो गया 4, तो देख सकते हैं हम इस कॉइल को इस तरह से लगाएंगे, थोड़ा आपको टाइट करके लगाना होगा नहीं तो ये पूरा जगह नहीं पकड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरह से थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम 20 राउंड लगा रहे हैं, एक साइड में 20 राउंड घुमाना है इस तरह से, आपको जिस तरह से खोलना है इसी तरह से लगाना है। खोलने से पहले ध्यान रखना है, आपको मोबाइल से फ़ोटो खींच के रख लेना है। तो यहाँ पर हमारा 20 राउंड हो चुका है, ये ध्यान देने वाली बात जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम इस खील में लगाएंगे, उसके बाजू वाले जो डायस की तरफ कील है यहाँ पर देख सकते हैं, इस कील में इस तरह से लगाकर निकालेंगे। तो लगाने से पहले आप यहाँ पर एक मार्क कर देंगे, मार्क करके यहाँ पर जो इस कॉइल में पेंट लगा हुआ रहता है ताकि ये कनेक्शन एक दूसरे में ना जाए, तो यहाँ पर जहाँ पर हमने मार्क लगाया है यहाँ पर थोड़ा छील देंगे, आपको थोड़ा छील लेना है चारों तरफ से यानी पेंट को उठा देना है, वरना ये कनेक्शन नहीं पकड़ेगा।
तो अब उससे ज़्यादा अच्छा होगा यहाँ पर आकर, यहाँ पर आप छील के अगर सोल्डरिंग कर देंगे तो इससे ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर थोड़ा छील लेंगे और चारों तरफ से आपको छील लेना है अगर आप सोल्डरिंग नहीं करेंगे, और सोल्डरिंग करेंगे छील के तो अच्छा पकड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरह से हमने लगा दिया है और अब यहाँ पर लगाएंगे और 20 राउंड। तो इस तरह से पूरा मोटर को जो है लगाएंगे जिस तरह से हमने खोला है। तो खोलने से पहले आपको ध्यान रखना होगा कि इसकी राउंड किस तरफ था। यहाँ पर देख सकते हैं हमने पूरा मोटर का जो कोयल है हमने वाइंडिंग कर दिया है पूरा 20-20 लगा के। तो आपको पूरा टाइट करके लगाना होगा, वरना यह आपको यहाँ पर जो वायर है यह जगह नहीं पकड़ेगा। तो यहाँ पर जिसमें से हमने स्टार्ट किया था वही सीप पे आके हमको यहाँ पर इसको एंड करना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा छील के और इसमें थोड़ा फंसा देंगे। तो यहाँ पर जहाँ पर हो चुका है हमारा 20 राउंड और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट में हम इस यहाँ पर इसको छील के थोड़ा लगा देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस पॉइंट में हमने स्टार्ट किया था, स्टार्ट वाला पॉइंट देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपको छील लेना है, छीलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर पेंट है। अगर आप नहीं छीलेंगे नहीं सोल्डरिंग करेंगे तो ये आपका करेंट जो है पास नहीं करेगी और आपका मोटर नहीं चलेगी। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से चाकू या ब्लेड की मदद से आपको छील लेना है और छील के यहाँ पर इन कनेक्शन जो है कनेक्शन को जो है इस तरह से थोड़ा प्रेशर लगा के बिठा के दे देना है ताकि ये कनेक्शन अच्छी तरह इसमें पकड़ सके और टाइट होके मजबूत बैठ सके। इस तरह से कोई भी आप डीसी मोटर का जो है स्पीड जो है 3 गुना बढ़ा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर सबसे पहले इसको लगा देंगे, यहाँ पर इस तरह से घुसाना है और उसके बाद इसमें लगाने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब ध्यान से देखना मैं किस तरह से लगाता हूँ उसी तरह से आपको लगाना है। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें हॉर मोटर के अंदर मैग्नेट रहता है और ये इस कॉइल में नहीं रहता है। तो जब हम इसमें करंट देते हैं तो ये कॉइल जो है मैग्नेट हो जाता है, तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता है। उसी राउंड हमारा जो मोटर है जो घूमता रहता है, मोटर हो या सीलिंग फैन हो या वाटर मोटर हो, सब कुछ इसी सिस्टम से चलता है। तो यहाँ पर लगाने के लिए आपको यहाँ से थोड़ा इसको बाहर निकाल के रख लेना है और यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन के बीचों बीच इसको जाना है। तो आपको कार्बन को इस तरह से पकड़ लेना है एक साइड से और एक साइड से अंदर घुसा। ध्यान रखना है अगर आपका कार्बन टूट जाए तो ये आपका मोटर वर्क नहीं करेगी। तो बहुत ही बारीकी से ध्यान रख के इसको आपको इस तरह से फंसाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक साइड को इस तरह से उठा देंगे, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं। और इससे अलावा आप ऊपर से भी इसको कार्बन को थोड़ा हटा के रख सकते हैं सुई की मदद से। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ इस तरह से, यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा गैप है, गैप में आकर फंसा के कार्बन को थोड़ा बाहर निकालेंगे तो ये बैठ जाएगा। तो यहाँ पर ये बैठ चुका है। तो जहाँ पर ये जिस तरह से लगा हुआ था आपको मार्किंग करके रख लेना है खोलने से पहले, ताकि आपको लगाने में आसानी होगी। तो यहाँ पर हम बिठा देंगे और इसकी जो मूड जो है साइड यहाँ पर थोड़ा रिपीट कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पकड़ के मजबूत होके बैठ जाए। तो यहाँ पर थोड़ा इसको इस तरह से मार के बिठा देंगे और इस रिपीट कर देंगे इस दो साइड को, दो या तीन साइड रिपीट कर देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको सबसे पहले आपको चेक करवा देते हैं। यहाँ पर हमने देख सकते हैं कॉपर वाला वायर लगाया है, मजबूत वायर आपको यहाँ पर लगाना होगा क्योंकि इसका जो एम्पेयर है अभी बहुत हाई हो चुका है, इसमें छोटा वायर लगाएंगे तो ये जल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मोटर हमारा बिल्कुल वर्क कर रहा है, इसको कनेक्शन अच्छी तरह से बिठा देंगे तो ये देख सकते हैं मोटर हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। लेकिन ये बैटरी इसके लिए कमज़ोर पड़ रहा है, यानी ये बैटरी आपकी 6 वोल्ट का नहीं है, 12 वोल्ट की बैटरी है जिसको हमने बनाया है, आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो अभी हम इसको बड़े बैटरी यानी इन्वर्टर की बड़े बैटरी में लगा के चला के दिखाएंगे। तो अभी यहाँ पर हमने फिटिंग कर दिया है और यहाँ पर दिखा देते हैं कि ये वर्क कर रहा है, लेकिन इस बैटरी में अभी चार्ज बिल्कुल ख़त्म है, कम है और ये बैटरी इसके लिए कम पड़ रहा है। लेकिन हमारा फ़ैन ओके हो चुका है तो बैटरी का वोल्टेज हम आपको दिखा देते हैं कितना कम है, लेकिन ये 12 वोल्ट होना चाहिए और हाई बैटरी होना चाहिए इसके लिए अभी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 7 वोल्ट दिखा रहा है, यानी बैटरी हमारा डाउन है। तो अभी हम बड़े बैटरी में आपको लगा के दिखाते हैं ये फ़ैन हमारा किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं इन्वर्टर में, इन्वर्टर की बैटरी का हमने कनेक्ट कर दिया, आवाज़ सुन सकते हैं आप किस तरह से आवाज़ कर रहा है, यहाँ पर सुन सकते हैं आप।
तो अभी बैक कैमरा देखा दिखाई सी फेंटर आवाज देखता इतना इसकी पहले इस तरह की आवाज नहीं थी। कपड़े की वजह से आगे देख सकते हैं आप बेहतरीन से घूरे हैं यहाँ पर सुन सकते हैं आवाज खबर टहने को जल्दी दो और जो खबर देते खबर की शायद इस तरह से ये उछाल रहा है देख सकते हैं।